अपराजिता में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ मीनू खरे। हमारे साथ है डॉक्टर सोनम सरपाल। वो छोटे बच्चों में हाइड्रोसेफेलस नामक रोग हो जाता है जिसमें सिर बहुत बड़ा हो जाता है, उसका इलाज विशेष रूप से करती हैं। आप मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। सोनम जो है वो एक ऐसे परिवार से है, मेरी एक सिस्टर है, हम दोनों बहनें हैं, दो हम लोग का कोई भाई नहीं है और हम लोग के पेरेंट्स हैं, दोनों डॉक्टर हैं। तो मैं इस चीज में बहुत लकी रही कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे लड़की नहीं समझा। मुझे जब ये एहसास हुआ कि मैं लड़की हूँ, तब तक मैं माता पिता का बहुत बड़ा सहारा बन चुकी थी। आप इतनी काबिल डॉक्टर हैं, सोशल मीडिया को चिकित्सा से जोड़ने का काम आपने किया है। मैं ऐसे परिवार से आने के लिए जहाँ पर बेटियों को बेटे के बराबर दर्जे दिए गए, तो उसके लिए आपको बधाई दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आपने सोशल मीडिया का उपयोग चिकित्सा के लिए किया, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। होम्योपैथी की वजह से ही हम सब कुछ हैं। सोशल मीडिया को अगर आप इसे एक कंस्ट्रक्टिव वे में, एक अच्छे पॉजिटिव वे में देखें, तो ये बहुत ज्यादा आपको आगे भी बढ़ा सकता है। लाइलाज जहाँ पे सब डॉक्टर ही बोल देते हैं एलोपैथी में कि अब कुछ नहीं रह गया है, उन्हें पैसों से इतनी तंगी है कि उनके पास नहीं है पैसे कि वो बड़े बड़े सर्जरी या ऑपरेशन या बार बार ऑपरेशन करा सके। इस सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना लोगों को शुरू करा कि हमने होम्योपैथी से ये चीजें सही करी है। जो बहुत दूर दूर बैठे लोग हैं, जो उन लोगों को पता चल जाता है कि एक होप है, हम एक आशा की किरण है होम्योपैथी, तो आप उन्हें अगर रास्ता दे सके, कुछ उसको सहारा दे सके, तो उससे हम लोगों को एक सब जगह विन विन सिचुएशन बन गई मैम, और इससे एक रिवॉल्यूशन भी आया। सोनम आपसे ये जानना चाहूंगी, अब तक कितने बच्चों को आप ठीक कर चुकी हैं? मैं हाइड्रोसिफिलस होता है उसमें भी ब्रेन डेवलप नहीं होना और ब्रेन में पानी भर जाना, मेरे लगभग 10-11 माता पिता से रोज मेरी बात होती रहती है। 400 के करीब इस समय मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और मैम अच्छा रिजल्ट है, कई बच्चे रिकवरी स्टेट में हैं। बड़ा बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है ये। किन किन कंट्रीज से आपके पास लोग आते हैं? हम लोग के साथ जापान, जर्मनी और ये बांग्लादेश, श्रीलंका और ये दुबई, इन सबसे बहुत सारे पेशेंट्स जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है सोनम एक ऐसा उदाहरण है जो ये सिद्ध करने में काफी है कि बेटियों की अगर परवरिश अच्छे से की जाए तो वो बेटों की तरह बल्कि उससे आगे बढ़ के काम करती है। लड़की क्या होती है, बच्चे होते हैं सब, और वो एक पौधा होते हैं, एक बीज होते हैं, आप उसे कैसे कैसे पानी डाल रहे हो उससे वो पनप जाएंगे, उसी से वो डूब जाएंगे। आप लड़के पे भी बहुत बर्डन डाल दो तो वो लड़के भी बेचारे थते आ जाते हैं। आजकल जो बेटे के लिए जो प्रेफरेंस है वो इस वजह से है कि माना जाता है बेटों से वंश चलता है और बेटियां पराया धन है। मैं अपने माता पिता का बिल्कुल पराया धन नहीं हूँ, मैं अपने माता पिता का बिल्कुल खरा सोना हूँ, और मैंने अपने पूरे लड़कों की तरह अपने पिता का, अपने पूरे घर परिवार को अच्छे से संभाला है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आगे कैसे बढ़ी हूँ, मुझे पूरी अच्छे तरीके से फ्रीडम दी गई। अगर मैंने कोई गलती करी तो मेरे साथ मेरे माता पिता, उनका ये बड़ा हाथ रहता कि ठीक है तुमसे गलती हो गई, आगे से मत करना और अपनी गलतियों से खुद सीखो। और बिल्कुल मुझ पे कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं कि तुम लड़की हो, या मुझ पे कोई भी बर्डन नहीं दिया। मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगी कि जो लड़का या लड़की जो भी होता है, ये ऊपर ईश्वर की देन होती है। आपका बेटा हुआ या बेटी, ये आपके बस में नहीं था, लेकिन अब आप उसे बेटा या बेटी क्या बनाते हैं ये आपके बस में है, तो आप उसे पूरा मौका दें, पूरा उसे आगे बढ़ाएं। क्या पता वो आगे चल के गीता फोगाट, बबीता फोगाट, कोई बहुत बड़ी कोई अच्छी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन, डॉक्टर सोनम सरपाल बने जी मैम, या डॉक्टर मीनू खरे बने